वैज्ञानिक अध्ययन से इसका उत्तर हाँ मिला है। अधिकांश पशु पक्षियों को स्वप्न आते हैं। उनके स्वप्न में क्या आता है ये तो पता नहीं लग पाया है, लेकिन यह निश्चित है कि उनको स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। और यह इस बात की पुष्टि भी करता है कि स्वप्न नींद की अवस्था का एक हिस्सा होते हैं। स्वप्न न आना एक अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की निशानी है। यदि आपको कोई सपना नहीं आता तो इसका अर्थ यह है कि ना आपको कोई चिंता है और ना आपका कोई स्वास्थ्य खराब है। साथ ही ग्रहों की दृष्टि से आपके ऊपर किसी भी अपशकुन प्रकार का दोष नहीं है। आम या आम का पेड़ दिखाई देने का अर्थ है कि आपको धन मिलने वाला है, वैभव के रास्ते की ओर आप बढ़ने वाले हैं। आते हुए देखने का अर्थ है आपको अपनी सभी दुविधाओं से छुटकारा मिलने वाला है, यश मिलेगा आपको और यश मिलने की बहुत प्रबल संभावनाएं। सपने में नेत्रहीन व्यक्ति दिखाई देने का अर्थ है कि आपको कोई रोग लगने वाला है। सपने में यदि आप स्वयं को नौका में बैठे दिखाई देते हैं तो ये कोई शुभ समाचार का पूर्व संकेत है। आप यदि खुद नौका चला रहे हैं सपने में तो ये मानिए कि आपके व्यवसाय या व्यापार में प्रगति होने वाली है। यदि आपको स्वप्न दिखाई देता है कि आपका ऑपरेशन हो रहा है तो इसका अर्थ है आपकी सभी चिंताओं का नाश होने वाला है। यदि किसी कार्यालय में आप स्वयं को क्लर्क की नौकरी करते देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपका बुरा समय आने वाला है। लेकिन यदि आप देखते हैं कि ऑफिस में आप अधिकारी हो गए हैं तो इसका मतलब आपको कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला है। सपने में अंजीर, इंग्लिश में कहते हैं फिग, FIG फिग, देखने का अर्थ है कि सौभाग्य जागृत हो चुका है और आपको उसके संकेत दिखाई पड़ने शुरू होने वाले हैं। यदि आप रोगी हैं और सपने में अंजीर देखते हैं तो इसका मतलब है आप रोग से मुक्त होने वाले हैं। किंतु सपना दिखाई देता है कि आप एक सड़ा हुआ अंजीर खा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप किसी दूसरे के द्वारा दिए गए दान पर अपना जीवन काटने वाले हैं। यदि कोई गर्भवती स्त्री है और वो अंजीर देखती है स्वयं को स्वप्न में खाते हुए तो इसका मतलब है उसे पुत्र प्राप्त होने वाला है। धन्यवाद।